नमस्कार। संगच्छद्वं संवदद्वं संगो मनासि जानतां देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीवाकुति समानार्द्यानिव समानमस्तु मनो यथावशुषाशति। चले साथ और बोले साथ, दिल से हिल मिल जिए साथ, अच्छे कर्म करे हम साथ, बैठ के साथ भजे हम नाथ। हो संकल्प समान समान, हो जन जन के हृदय समान, निश्चय सम हो कार्य समान, बने सम एक मानव समाज। आज गुरु पर्व प्रकाश दिवस कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं योगाचार्य अंतरंग आनंद योगी आनंदम गुरुकुल एवं पुरुषार्थ धर्म सभा के तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और गुरु नानक देव जी को सहृदय नमन प्रणाम सौहार्दता प्रदान करते हुए आज के इस गुरु पर्व पर हम सभी सनातन धर्मियों से यह निवेदन करते हैं कि जैसा हिंदू धर्म आचार्य सभा के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरिजी महाराज, ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरिजी महाराज ने अपने शरीर ब्रह्मलीन होने से पहले यह संदेश दिया कि हम सब अपने अलग अलग पंथ और मतों को छोड़कर हम लोग एक आध्यात्मिक सेना, शांति सेना का निर्माण करें। वही इस श्लोक ऋग्वेद की श्लोक में के माध्यम से हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने भी वसुधैव कुटुंबकम एक मानव नव मानवतावादी समाज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी एकात्म मानवतावाद का संदेश दिया है। तो आइए सब हम सब एक होकर आज एक धर्म की स्थापना के लिए पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष के रास्ते पर चलते हुए, उसके आधार पर चलते हुए हम लोग धर्म की स्थापना करें, एक मानव धर्म की स्थापना करें, भगवत धर्म की स्थापना करें और उस धर्म के साथ हम अर्थ को परमार्थीय बनाएं और काम को हम निष्काम कर्मियों के साथ युगस्त करो कर्मानी संगो त्वक्ता धनंजय सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समत्वम योगचते या बुद्धि ते जहाति वेश सुकृते दुष्कृते तस्माद् योगाभायेश योगा कर्म सुकौशलम। ये भगवद गीता के इन श्लोकों के आधार पर हम अपने कर्म की कुशलता और कर्म में हम अपने सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता को नहीं देखकर हम अपने कर्म को निष्काम सेवा भाव धर्म और अर्थ परमार्थी अर्थ के आधार पर हम जब काम करें तो जाकर हम मोक्ष यानी ईश्वरीय हो जाएंगे और ब्रह्ममय हो जाएंगे। यानी यह मोक्ष भी शिव शक्ति आत्मकम ब्रह्म है, शिव और शक्ति का एकाकार ही ब्रह्म है। यानी हमारे अंदर जो शिव यानी चेतना है, ब्रह्म है, चैतन्य है, उसके साथ यह पंचमहाभूत की शक्ति यानी प्रकृति है, वह दोनों का एकाकार होना ही ब्रह्म है।